वेलकम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले 12th न्यू सिलेबस चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक लॉजिक का एक्सरसाइज 1.2। ओके, हमने पिछले वीडियो में देखा था 1.1 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम पूरा अपना 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए जो हमें बेस जानना है, मालूम रहना चाहिए, उसको हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके जो बेसिक्स है वो लिख रखे हैं। यहाँ पर मैंने आपको 1.1 में भी इसके बेसिक्स यही बताए थे और ये पूरे लेसन में आपको यूज़फुल रहने वाले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। यहाँ पे जो बेसिक से ज़्यादा करो सेम है। तो यहाँ पे निगेशन है, यहाँ पे निगेशन का साइन इस 1.2 में आपको इसके साइंस याद रखने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसके साइंस के बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, यहाँ पे एंड बट के लिए यहाँ पे ये साइन है उल्टा वी, और के लिए यहाँ पे वी है, इसका ए अपोजिट है। और इफ देन के लिए सिंगल एरो, एंड इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो। यहाँ पर आपको ये सब साइन याद रहना चाहिए जो कि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और इसी साइन के बेसिस पे हमें टेबल भी बनाना है। ओके, तो हम यहाँ नीचे टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे पहले हम निगेशन का बनाएंगे। सिंपल, यहाँ पे हमें यहाँ पे निगेशन का साइन लगाना है। यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे पी, यहाँ टेबल, यहाँ पे पी का निगेशन करेंगे तो निगेशन पी। ओके, यहाँ पे इसके साथ निगेशन का साइन लग जाएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स। ओके, यहाँ पे अगर टी का निगेशन करेंगे तो निगेशन टी, यहाँ पे एफ़ का निगेशन करेंगे तो निगेशन एफ। ओके, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए और आपको क्वेश्चन में दिया गया है निगेशन एफ, तो यहाँ पे हम इसका इक्विवेलेंट साइन कर कर यहाँ पे टी कर देंगे। मतलब यहाँ पे अगर निगेशन टी दिया गया तो यहाँ पे हम निगेशन एफ कर देंगे। यहाँ पे आपको ऐसा ही साइन चेंज करना है, निगेशन टी रहेगा तो एफ कर देना है, निगेशन एफ रहेगा तो टी कर देना है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टेबल देखते हैं। यहाँ पे हम और का टेबल बनाते हैं। और का यहाँ पे साइन यहाँ पे वी। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना है पी क्यू। सिंपल, पी क्यू, यहाँ पे इसके टेबल में ट्रू ट्रू ऊपर फर्स्ट, यहाँ पे रो। हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का और करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले पी में लिखना है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, और यहाँ पे इसका हम एंड करेंगे, यहाँ पे इसके बीच में ये साइन आएगा पी और क्यू, इसका हमने और किया। ओके, यहाँ पे अगर और में इसका सिंपल बेसिक है, और में अगर एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स दोनों है तो ही फॉल्स, अदरवाइज एक भी ट्रू है इसमें तो वो ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टी टी है तो टी। ओके, दोनों टी है तो टी, यहाँ पे टी एफ, तो क्या आएगा यहाँ पर टी, यहाँ पर एफ टी, अगर एक भी टी है तो टी, अगर यहाँ पे दोनों एफ है तो यहाँ पे एफ आएगा। अब हम यहाँ पर एंड का टेबल बनाए और इसका हम पी क्यू का एंड करेंगे। यहाँ पे जो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और क्यू में ट्रू फॉल्स ये सब में जो है सेम रहेगा। यहाँ पे ट्रू एंड सॉरी पी एंड क्यू, यहाँ पे एंड का साइन है, यहाँ पे भी एंड का साइन रहेगा,
और यहाँ पे पी क्यू का हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम एंड करेंगे। यहाँ पे एंड का रूल है, उसे हमें याद रखना है। जो एंड का रूल है, अगर यहाँ पे एक भी फॉल्स रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज दोनों ट्रू रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो दोनों है ट्रू है, यहाँ पे टी लिखेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे एक भी एफ है तो एफ अकॉर्डिंग टू द रूल। यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे तो दोनों एफ है तो यहाँ पे एफ। ओके, एक भी एफ रहेगा तो एफ। देखते हैं इफ देन में सिंगल एरो रहता है, और यहाँ पे एज अ सेट वाइज हमने लिखा है पी, यहाँ पे इसमें डबल टी डबल एफ टी टी एफ एफ। ओके, क्यू में टी एफ टी एफ। यहाँ पे इसका मैं जो रूल है आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर ट्रू इफ देन फॉल्स ये रहेगा तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट इसमें दिया जाए, यहाँ पे अगर फॉल्स ट्रू रहे तो वो ट्रू रहेगा, ट्रू ट्रू वो भी ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू वो भी ट्रू रहेगा। अगर यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया जाएगा तो ही फॉल्स होगा। ओके, यहाँ मैंने लिख रखा है ट्रू ट्रू है ट्रू। ओके, ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे एक ही फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स बाद ही सब डिफरेंट है। यहाँ पे फॉल्स ट्रू है, यहाँ पे भी फॉल्स फॉल्स है, इसलिए ये यहाँ पे आपको याद रखना है इसमें एक ही ट्रू फॉल्स, ट्रू इफ देन रहेगा तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज कुछ भी रहेगा तो ट्रू आएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ। ओके, यहाँ पे इसमें डबल एरो है, यहाँ पे पी क्यू एज अ सेट मैंने लिखा है, यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे पी इफ देन ओनली इफ क्यू, यहाँ पे हम इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका रूल है बता देता हूँ। अगर यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे तो ही वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू रहेगा तो वो फॉल्स रहेगा। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका आंसर, ट्रू ट्रू है तो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो क्या, फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स दोनों साइन सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू। यहाँ पे ये इसका रूल है। तो यहाँ तक था हमारा बेस 1.2 के लिए। अब हम स्टार्ट करते 1.2 एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, यहाँ पे आपको बोला गया है ट्रूथ टेबल, यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल बिल्ड करना है, बनाना है हर क्वेश्चन जो दिए गए पैटर्न में। फर्स्ट क्वेश्चन, पी इफ देन क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज इफ देन पी। ओके, यहाँ पे हमें इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रूथ टेबल। यहाँ पे आपको सिंपली स्केल लेना है, इसका जो टेबल बिल्डअप है वो करना है। यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर पी और यहाँ जो मैंने बताया था ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, पी में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे क्यू के लिए यहाँ पे हमें दो ही इक्वेशन दिए गए हैं, दो ही वेरिएबल। ओके, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे हमें क्यू के लिए, क्यू का मैंने बताया था ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, इजी, यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन करना है, यहाँ पे इतना। तो हम पहले जो ए ब्रैकेट लेते हैं, ओके, यहाँ पे हम इसे लिखते हैं पी इफ देन करेंगे हम क्यू के साथ, पी इफ देन करेंगे। मैंने बताया था अगर यहाँ पे ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही उसका फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सब ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व, यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स दिया है तो यहाँ पे इसका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे एफ टी दिया है तो भी टी हो जाएगा, एफ एफ दिया है तो भी टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसका इसके साथ एंड करेंगे। यहाँ पे हम और एक लाइन खींचते, आपको यहाँ पे इसका ऐसा टेबल जो है बिल्डअप करना है। यहाँ पे आपको लिखना है
यहाँ पे ब्रैकेट में इसका एंड क्यू के साथ। ओके, तो एंड क्यू करना है मतलब इसका एंड क्यू के साथ ए टेबल का एंड करेंगे, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। ओके, ये दोनों, तो हम ये दोनों टेबल का क्या करेंगे, अब एंड करेंगे। एंड में रहता है क्या, अगर एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है एक भी, हाँ है, दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स। ओके, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे एक भी फॉल्स है, हाँ यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं। आपको यहीं तक खींचना है, यहाँ पे मेरा लॉन्ग हो गया है बट आपको यहीं तक खींचना है। यहाँ पे अब हम इसका करेंगे इफ देन इसके साथ पूरा, यहाँ पे ये पूरा और यहाँ पे इसका इफ देन करेंगे ये पूरे टेबल का। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है पूरा, पी इफ देन क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड क्यू इफ देन विथ पी। ओके, यहाँ पे पी का इफ देन करेंगे इसके साथ, यहाँ पे इसका इफ देन करेंगे ये दोनों का। तो इफ देन में मैंने अभी बताया कि फॉल्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू रहेंगे। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे आपको कैसे देखना है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि ये टेबल पहले इसके। ओके, यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पे ट्रू ट्रू देन ट्रू। ओके, यहाँ पे फॉल्स ट्रू देन, अगर यहाँ पे ट्रू फॉल्स रहता तो क्या होता है, फॉल्स होता है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो रहा तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सब क्वेश्चन वन में आपको इतना ही करना है। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है, यहाँ एक्स्ट्रा उसे नहीं लेना, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे दो में ऐसा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो ऐसे लिखना है क्वेश्चंस और यहाँ पे एक एक बॉक्स आपको लेके सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे पूरा लेना है उसके साइन के साथ, उसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे जो आपका सब क्वेश्चन वन है यहाँ तक आपको इतना ही करना है, और इसके लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलते हैं अगर आप यहाँ पे राइट करते हैं। और यहाँ पे हर बॉक्स में आपको ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक भी गलती करते हैं तो 0 आएंगे। ओके, तो यहाँ पे इजी है एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे हम सब क्वेश्चन 2 देखते हैं, चलिए सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। पी एंड नॉट क्यू, यहाँ पे निगेशन क्यू, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ का साइन, पी इफ देन क्यू। यहाँ पे पहले हम ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमें 3 हो गए, पी पी सेम है, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे नॉट क्यू, नॉट क्यू के लिए भी अलग से बॉक्स बनाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं स्टार्टिंग में, सिंपल, यहाँ पे हम पहले पी है, पी क्यू क्यू, यहाँ पी क्यू, यहाँ पे क्यू का निगेशन दिया है, यहाँ पे निगेशन क्यू। तो यहाँ पे हमें पी का क्या था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे क्यू का ट्रू फॉल्स। ओके, अगर हम इसका निगेशन करेंगे तो यहाँ पे ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, इसका निगेशन, यहाँ पे ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको इसका निगेशन ऐसा करना है। तो यहाँ पे पहले हम ये ब्रैकेट लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पी एंड नॉट क्यू, यहाँ पे लाइन। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हम इसे लेते हैं पी इफ देन क्यू। ओके, और यहाँ पे लास्ट में पूरा ये दोनों का इफ एंड ओनली इफ, तो हम लिखेंगे यहाँ
पूरा यहाँ पे हम इसे यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। ओके यहाँ पे लिखने के बाद अब हम इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे मेन आपको ऐसा लिखना है और यहाँ पे ऐसा। ओके तो यहाँ पे इसका पी एंड नॉट क्यू करेंगे। ओके पी एंड नॉट क्यू इसका इसके साथ, तो एंड में यहाँ पे अगर एक भी एफ है तो एफ हो जाएगा। यहाँ पे एक एफ है, यहाँ पे एक भी एफ नहीं है, यहाँ पे टी, यहाँ पे एक भी एफ है, यहाँ पे दोनों एफ है तो एफ, यहाँ पे भी एक एफ है तो यहाँ पे भी एफ। अब यहाँ पे हमें पी इफ देन क्यू करना। ओके पी इफ देन क्यू करेंगे, अगर हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा रहेगा तो ये फॉल्स रहेगा, इसका रूल है अकॉर्डिंग टू इफ देन रूल। तो यहाँ पे हम देखते ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर एक फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स है वो भी ट्रू, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने इसका ट्रू लिख दिया, यहाँ पे हमने इसका देखा ट्रू फॉल्स रहेगा इफ देन के रूल में तो ही क्या यहाँ पे होगा फॉल्स होगा, अदरवाइज कुछ भी रहेगा तो ट्रू फॉल्स के अलावा फॉल्स ट्रू 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 या फॉल्स फॉल्स तो यहाँ पे ट्री होगा। ओके यहाँ पे हमने ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे हम ये बॉक्स और ये बॉक्स यहाँ पे हमने कर लिया, अब यहाँ पे हम इन इन दोनों का इफ एंड ओनली करेंगे। ओके यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे हम इसका इफ एंड ओनली करेंगे अकॉर्डिंग टू द इफ एंड ओनली रूल, अगर यहाँ पे दोनों सेम है। ओके यहाँ पे कहीं सेम है तो ये क्या होगा ट्रू होगा ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। ओके तो हम लिखेंगे फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके यहाँ पे ट्रू फॉल्स ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स, अगर दोनों सेम रहते तो ये क्या होता है यहाँ पे ट्रू होता, और यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे देखेंगे सिमिलर है सेम है, तो यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर थ्री का एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर थ्री में जो आगे आप करेंगे, यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर वन में सब क्वेश्चन टू का इतना ही है। ओके तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फिनिश होता है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे अगर सब फॉल्स रहेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ओके अगर इसी जगह पे यहाँ पे सब ट्रू रहते तो क्या हो जाता टॉटोलॉजी, पर यहाँ पे अगर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू अगर ऐसे आगे पीछे रहते तो वहाँ पे हो जाता कॉन्टिंजेंसी। ओके यहाँ पे तीन वर्ड आपको याद रखने को, तो चलिए यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टार्ट करते। निगेशन पी एंड यहाँ पे ब्रैकेट में तो पी और निगेशन क्यू, यहाँ पे एंड क्यू। ओके हम यहाँ पे पहले ये बॉक्स ले लेंगे तो बाद में इसका हम और एंड कर देंगे ये इसका, उसके बाद हम ये पूरा यहाँ पे इसके साथ इसका एंड कर देंगे तो ये इजी हो जाए। ओके तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं आपको जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था लिखने के लिए, यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे निगेशन पी निगेशन क्यू, तो यहाँ पे हमें लिखना है पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू। ओके तो यहाँ पे हमें चार तीन अलग नहीं, यहाँ पे पी क्यू आ रहे थे तो एट वाले बनते, यहाँ पे भी फोर वाले बने, यहाँ पे हम देखते टी टी एफ एफ। ओके यहाँ पे टी एफ टी एफ, यहाँ पे मैं लाइन मार देता हूँ। ओके और इसके हम पी का निगेशन करेंगे, टी है तो एफ टी है तो एफ एफ है तो टी एफ है तो टी, यहाँ पे हम क्यू का निगेशन करेंगे टी है तो एफ एफ है तो टी टी है तो एफ एफ है तो टी। ओके यहाँ पर हम फर्स्ट ये लेंगे पी और निगेशन क्यू, ओके तो यहाँ पे मैंने काफ़ी
स्मॉल कैसी है, यहाँ पे पी और करेंगे क्यू का, यहाँ पे पी है यहाँ पे क्यू है, ओके यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे पी यहाँ पे निगेशन क्यू, यहाँ पे और में और का रूल है अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज और दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, ओके यहाँ पे टी यहाँ पे एफ तो ये हो जाएगा टी, यहाँ पे एक टी है यहाँ पे टी, यहाँ पे टी तो ये भी टी, यहाँ पे एफ यहाँ पे एफ तो ये भी हो जाएगा हमारा एफ ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एफ है ना, यहाँ पे एफ यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ टी, यहाँ पे एक टी है तो क्या हो जाएगा टी। यहाँ पे अब हम यहाँ इस ब्रैकेट का क्यू के साथ एंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम ये पूरा निगेशन क्यू, ओके यहाँ पे एंड विथ क्यू, यहाँ आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर लिखना है, और जब भी मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो आपको पक्का अपने साथ जो नोटबुक पेन जो है पढ़ते समय लेके बैठना है, ओके तो यहाँ पे पी इसका और इसका एंड करना है क्यू के साथ, तो ओके हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को लेंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्यू के लिए, यहाँ पे ये दोनों का एंड करेंगे, एंड का रूल क्या रहता है अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे भी ट्रू है, ये ट्रू यहाँ पे एक एफ है मतलब क्या हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे तो ट्रू है नहीं, यहाँ पे तो दे दिया गया एफ तो ये क्या हो जाएगा एफ, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एफ दे दिया गया तो क्या हो जाएगा ये भी एफ, ओके यहाँ पे ऐसे हमने इतना किया, अब हमने ये जो पूरा ब्रैकेट है इसे सॉल्व कर दिया, अब हम इसे क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ के लिए मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, ओके तो यहाँ पे आपको ऐसे में पूरा लिखना है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे निगेशन पी का एंड करेंगे, ओके अब इसका एंड करेंगे, तो चलिए एंड करते हैं इसका और निगेशन पी, यहाँ पे निगेशन पी का यहाँ पे इसके साथ, तो एंड में मैंने अभी बताया था एक भी अगर एफ रहेगा तो एफ, तो यहाँ पे एक भी एफ है यहीं पे तो एफ, यहाँ पे भी एक एफ है मतलब यहाँ पे भी एफ है तो यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे टी है यहाँ पे एक एफ है तो एफ, यहाँ पे टी है यहाँ पे एफ है तो एफ, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो सब है वो एफ में, ओके तो यहाँ पे आपको यहाँ तक इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो हो गया है, ओके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको इतना ही करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एट करते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है वो आपको करना है, वो सब कोई इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ यूनिक क्वेश्चन दिए गए अलग क्वेश्चन, तो इसके तो बाकी सब एक दूसरे से रिलेटेड और सेम है, ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पी यहाँ पे इफ देन साइन क्यू इफ देन आ, ओके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है अलग है और यह अलग है, यहाँ पे साइन इफ देन इफ का, यहाँ पे पी एंड क्यू यहाँ पे इफ देन आ, ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपको यहाँ पे तीन वेरिएबल दिखेगा पी क्यू आर, ओके यहाँ पे तीन वेरिएबल जैसे मैंने बताया था, अगर तीन रहेगा अलग अलग वहाँ पे फोर ट्रू फोर फॉल्स आपको ऐसे लिखना है, देखिए पी यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू, ओके फोर ट्रू हो गया फोर फॉल्स, एफ 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 यहाँ पे हमने लिख दिया है फोर फॉल्स फोर ट्रू, अब यहाँ पे Q का क्योंकि यहाँ पे लाइन मार देते हैं Q Q के लिए, यहाँ पे दो ट्रू रहेगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स अकॉर्डिंग टू द रूल, ओके यहाँ पे हम अब R लिखेंगे R R का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके यहाँ तक आर का भी हो गया। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट हमें दिया गया है हम उसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसे पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो हम लिख लेते हैं क्यू आर,
यहाँ पे क्यू इफ देन आर। ओके तो यहाँ पे हम लाइन मार देते हैं, इसके बाद हम इसे इसके साथ इसका इफ देन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू इफ देन आर, क्यू इफ देन, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लाइन मार देना है, उसके बाद हम ए वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पी एंड क्यू। ओके यहाँ पे ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे लाइन मारना है, इसके बाद हमें इसका इफ देन करना है आर के साथ, पी एंड क्यू इफ देन विथ आर। ओके तो इसके बाद हम जब ये और प्लस ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो हम इसका इफ देन इफ एंड ओनली इफ करेंगे। तो आपको अभी इसमें पूरा लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। पी एंड क्यू इफ देन आर। ओके अब यहाँ पे हम पहले यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स सॉल्व करते हैं। ओके यहाँ पे क्यू इफ देन आर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द इफ देन, इफ देन में अगर एक भी ट्रू फॉल्स निकलता है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, अदरवाइज कुछ भी रहेगा तो वो ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे हम ट्रू ट्रू दिया गया तो टी, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे एफ टी, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे दोनों सेम है तो भी ट्रू, यहाँ पे भी सेम है तो भी ट्रू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे एफ टी दिया ट्रू फॉल्स नहीं है तो यहाँ पे इसलिए टी, यहाँ पे एफ एफ दिया गया तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट बॉक्स कैसे हमने फिल किया है यहाँ तक, तो इसके बाद हम अब यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स करते हैं। यहाँ पे जो इसमें हमने पूरा किया है, यहाँ पे अब हम इसका इफ देन इसके साथ करेंगे पी के साथ। ओके क्यू इफ देन आ, तो यहाँ पे हमने इसका ये किया है तो अब इफ देन इसका पी, मतलब इस बॉक्स का इसके साथ हम इफ देन करेंगे, तो उसका हम उसका सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे। तो इफ देन का रूल मैंने बताया यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप हमें ट्रू ट्रू दिया गया तो क्या हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया तो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू ट्रू दिया गया तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू ट्रू दिया गया तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स ट्रू दिया गया तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स दिया गया तो भी ट्रू, यहाँ पे एफ एफ टी एफ टी तो भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे एफ टी तो भी क्या हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दिस बॉक्स, यहाँ पे हमें ये बॉक्स सॉल्व करते हैं, इसका हमें एंड करना है पी क्यू का एंड करना है, एंड का रूल है यहाँ पे अगर एक भी एफ रहेगा तो वहाँ पे एफ हमें लिखना है। ओके तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे एक भी नहीं एफ है, इसमें भी यहाँ पे भी ए भी, यहाँ पे टी एफ तो ए एफ, यहाँ पे भी एक एफ है तो एफ, यहाँ पे भी यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे भी एफ टी है तो यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे एफ एफ है तो भी यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ एफ है तो भी यहाँ पे एफ। ओके यहाँ पे हमने ये बॉक्स फिल किया और इसके बाद इसका हमें इफ देन करना है किसके साथ आर के साथ, मतलब दिस बॉक्स यहाँ से यहाँ। ओके तो हमें इसका इफ देन करना है, इफ देन का रूल हमें पता है जो ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होगा। ओके यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट में आपको यहाँ से ऐसे देखना है फर्स्ट ए और सेकेंड ये, देखते हैं यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, यहाँ पे ट्रू सॉरी यहाँ फॉल्स फॉल्स तो भी क्या रहेगा ट्रू रहेगा, यहाँ पे फॉल्स ट्रू तो भी क्या रहेगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू, यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू तो भी ट्रू, यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे फॉल्स तो भी क्या रहेगा ट्रू रहेगा। ओके तो अकॉर्डिंग टू द इफ देन रूल। ओके तो अब हम यहाँ लास्ट बॉक्स देखते हैं, यहाँ पे हम हमें दिस बॉक्स और दिस बॉक्स का क्या करना है इफ एंड ओनली इफ करना, तो यहाँ पे हमें ये बॉक्स सॉरी हाँ यहाँ पे ए बॉक्स और यहाँ पे ए बॉक्स,
ये दोनों का क्या करना, इफ एंड ओनली इफ करना है। ओके यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, तो फिर मुझे मेन आंसर है लास्ट का वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये दोनों का करना है अकॉर्डिंग टू द इफ एंड ओनली इफ। अगर तो कोई दोनों साइन सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर अलग है थोड़ा भी तो फॉल्स। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ट्रू ट्रू दोनों सेम है, ट्रू। यहाँ पे एफ एफ दोनों सेम है, यहाँ पे ट्रू ट्रू दोनों सेम है, यहाँ पे ट्रू ट्रू दोनों सेम है, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू दोनों सेम है, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू दोनों सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ट्रू ट्रू दोनों सेम है। ओके तो हमने यहाँ देखा कि तो सब ट्रू ट्रू है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसा आंसर आता है लास्ट में, तो आपको वहाँ पे टोटोलॉजी लिखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। चलिए और ना इसके जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करा दिए, और बाकी से जो सब क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करिए, आपसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। यहाँ पे यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। ओके यहाँ पे क्या गया, यूजिंग ट्रूथ टेबल, हमें ट्रूथ टेबल को यूज़ करके बना के हमें प्रूफ करना है कि ये दो है इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट है ये। ओके ये दोनों सेम है। अब ट्रूथ टेबल में हमें जो दोनों का एक अलग अलग कॉलम जो रहेगा यहाँ पे सिमिलर बताना है। ओके तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे पहले जो अलग अलग, तो उसे हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू दिया गया, तो हम यहाँ पे पहले पी क्यू, और यहाँ पे हमें इसका निगेशन पी भी दिया गया है, पी यहाँ पे क्यू, यहाँ पे इसका निगेशन पी, बस यहाँ पे क्यू का निगेशन नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे पहले हम इसका जो ट्रू है, ट्रू एन एफ एंड एफ, ओके इसका भी लिख लेते हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके यहाँ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, देन इसका क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर लाइन मार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो ट्रू है तो यहाँ पे निगेशन में उसका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू तो यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन मारते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे आपका ऊपर का वो एक्सटेंट होगा, यहाँ पे एक्सटेंट कुछ ऐसे होगा, देखते ओके तो यहाँ पे आपको रूम में लिखना रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके आप जैसे जैसे अलग अलग बॉक्सेस बनाते जाएंगे वहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में 4 लिखाएगा। तो ओके तो यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन है वो भी करते हैं साथ में। तो यहाँ पे पहले हम ये लेते हैं फर्स्ट टाइप एंड क्यू, ओके नॉट पी एंड क्यू, वे नॉट पी और क्यू का एंड करना, एंड में हमेशा फॉल्स, अगर एक भी है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स, एक फॉल्स है, यहाँ पे भी एक फॉल्स है, फिर दोनों के दोनों फॉल्स हैं, यहाँ दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू, यहाँ पे भी एक फॉल्स दिया गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे फिफ्थ कॉलम, यहाँ पे हम ए साइड सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे पी और क्यू, हमें क्या करना है, पी और करना है, पी का और करना है किसके साथ, क्यू के साथ। तो यहाँ पे जो और का फॉर्मूला बोलता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे हम दोनों में देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे एक भी ट्रू है, हाँ यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे एक भी ट्रू है नीचे, हाँ यहाँ पे ट्रू है, एक ट्रू, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ओके तो यहाँ पे अब हम इसका निगेशन एंड करेंगे इसके साथ। ओके तो अब यहाँ पे पूरा लिखेंगे पी
और क्यू एंड विद निगेशन पी। तो हम अब इसका इसके साथ ओके निगेशन पी के साथ क्या करेंगे, एंड करेंगे। एंड का रूल क्या है, अगर एक भी एफ है तो एफ ओके एफ है एफ है एफ ये लाइन में एफ है, यहाँ पे भी एफ है, इसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोनों टी है, यहाँ पे एफ है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है कोई बॉक्सेस इसका, यहाँ पे हम देखेंगे इसका बॉक्स ये फोर्थ वन ओके, और यहाँ पे सिक्स बॉक्स नाम देते से, यहाँ पे सिक्स वन, यहाँ पे एफ एफ मैच टी मैच एन एफ मैच। तो हमने यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन क्या है ऑटोमेटिक जो इसका आ गया सेम। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ही बताना है, तो अब आपको नीचे लिखना है यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ एक कॉलम ओके, कौन कौन से कॉलम, कॉलम फोर एंड कॉलम सिक्स ऑफ कॉलम दिस फोर एंड दिस कॉलम सिक्स ओके आर आइडेंटिकल। क्या है, हमें पहचाने जा सकते हैं, सेम है दोनों, आइडेंटिकल मतलब सेम आइडेंटिकल ओके। यहाँ पे लिखना है हमें हैंस प्रूव्ड या देयर फॉर इट्स प्रूव्ड हैंस सॉरी हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे हैंस प्रूव्ड भी लिखना है। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे ऐसा जो क्वेश्चन है ना आपको सेम लिख देना है, तो यहाँ लिख देते हैं जैसा सेम, यहाँ पे लिखना है सेम क्वेश्चन है आप उसे यहाँ पे उतार देना है। तो यहाँ पे जो इसका इसका सॉल्यूशन है वो पूरा यहाँ तक हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमने कैसे किया, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे दो सेम है आइडेंटिकल मतलब सेम, यहाँ पे आप सेम भी लिख सकते ओके। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम फोर एंड कॉलम सिक्स आर आइडेंटिकल हैंस प्रूव्ड, और यहाँ पे जो जैसा क्वेश्चन यहाँ पे हमें वैसा लिखना, ऊपर का क्वेश्चन या नीचे वैसे ही रिपीट करना ओके। यहाँ पे भी हमने जैसा किया, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया था, यहाँ पे भी सब सिमिलर है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही करना था। अब हम जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक दूसरे से रिलेट थोड़ा यूनिक है, थोड़ा जो डिफ़िकल्ट है, वो सब क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, पी इफ देन यहाँ पे ब्रैकेट में क्यू इफ देन पी इक्विवेलेंस यहाँ पे क्यू सॉरी पी ओके नॉट पी इफ देन यहाँ पे ब्रैकेट में पी इफ देन क्यू। तो इसका अब हम चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे पहले आपको जो फर्स्ट बॉक्स ऐसे आपको यहाँ पे बनाना है ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो वेरिएबल्स, यहाँ पे कोई डिफरेंट वेरिएबल तो नहीं, यहाँ पे पी है नॉर्मली हम पी क्यू यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे निगेशन पी है, तो यहाँ पे हम पहले पी और यहाँ पे क्यू यहाँ पे ऐसा ओके, यहाँ पे निगेशन पी जो थर्ड बॉक्स सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी टी एफ एफ ओके, यहाँ पे टी एफ और यहाँ पे इसका निगेशन टी है तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे टी एफ है तो यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे टी। तो इसके बाद यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे फोर और यहाँ पे क्यू इफ देन पी लेना है, यहाँ पे एक बॉक्स हमें लेना है, उसके बाद हम क्या लेंगे पी इफ देन इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू इफ देन पी ओके, यहाँ पे हम लाइन मारते हैं सिंपल। अब यहाँ पे इसका क्यू इफ देन पी का इफ देन हो जाता है इसके साथ,
यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा फिफ्थ बॉक्स, और बाद में इसका इसका सिक्स बॉक्स पी इफ देन क्यू, पी इफ देन क्यू, यहाँ पे इसका ओके, यहाँ पे सेवेंथ बॉक्स इसका इसके साथ निगेशन पी, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं पी निगेश सॉरी पी इफ देन क्यू विथ निगेशन इफ देन निगेशन पी ओके। यहाँ पे इसके बाद हमें इसका क्यू इफ देन पी करना है। अकॉर्डिंग टू द इफ देन, अगर एक भी ट्रू फॉल्स होता है तो वी फॉल्स होगा, अदरवाइज सब के सब ट्रू रहेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना है ओके। यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू ओके, इसका इफ देन करना है। तो यहाँ आपको ध्यान देना, जो क्यू है आपको पहले कंसिडर करना है और उसके बाद हमको पी कंसिडर करना है ओके। तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट रखेंगे और यहाँ पे इसे सेकेंड, यहाँ पे पी, तो हमें ऐसे देखना है ओके। तो हम देखेंगे टी 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 है तो टी, यहाँ पे एफ टी तो भी टी, यहाँ पे ट्रू यहाँ पे टी है, टी एफ है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे एफ एफ है तो भी टी रहेगा ओके। जब ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होगा, और यहाँ पे इसका इसके साथ करेंगे ओके। तो फर्स्ट है यहाँ पे जो पहला ये है उसे ही रखेंगे फर्स्ट, तो यहाँ हम पहले सब पे पी को देखेंगे, यहाँ पे पी है तो उसके बाद हम यहाँ पे इसे ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रू 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 इफ देन ओके, तो इसका ट्रू 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 ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होगा। यहाँ पे भी एफ एफ है तो भी ट्रू, यहाँ पे एफ टी होगा, यहाँ पे टी एफ रहता है वैसा उल्टा रहता है तो ध्यान देना है तो वो फॉल्स हो जाता, बट यहाँ पे ट्रू रहेगा क्योंकि यहाँ पे एफ टी है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमें पी का इफ देन क्यू के साथ करना है, पी का इफ देन क्यू, यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू ओके। तो अभी इसका यहाँ पे इसका निगेशन करना है पी के साथ ओके। तो यहाँ पे जो पी ऊपर दिया गया वो पहले, तो ये पहले रहेगा और ये बाद में, हाँ ओके। तो देखते हैं इसे, यहाँ पे निगेशन में पी है और यहाँ पे ये, अगर ट्रू फॉल्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं फॉल्स ट्रू दिया गया तो भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स दिया गया ये भी ट्रू, फॉल्स सॉरी ट्रू ट्रू दिया गया तो भी ट्रू, यहाँ पे ट्रू ट्रू दिया गया तो भी ट्रू ओके। जैसा सेम था ऊपर, यहाँ पे भी ऐसा दिया गया। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि कौन सा जो बॉक्सेस है वो मैच हो रहा है एक दूसरे के साथ, कॉलम जो है मैच हो रहा है ओके। तो हम यहाँ देखेंगे टी है, यहाँ पे भी टी है, ये जो है फुल मैच हो रहे हैं। तो हमने पिछली बार लिखा था जैसे ओके, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम फाइव एंड सेवन आर आइडेंटिकल ओके। तो लिखते हैं देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम, यहाँ पे हमें फिफ ओके, और एंड सेवन आर आइडेंटिकल, और इसके आगे लिखना है हैंस प्रूफ्ड ओके। और एट द एंड आपको यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है एज इट इज सेम उतार देना है। तो हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं पी इफ देन क्यू पी ओके, यहाँ पे नॉट पी पी इफ देन क्यू, यहाँ पे आपको जो इसका ऐसा पूरा सॉल्यूशन लिख, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डायरेक्ट यहीं तक करना था
बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा है कि स्टेप बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको मेन मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही करा रहा हूँ, बाकी सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। ओके, अब हम इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। ओके, हमें एग्जामिन करना, पता करना है वेदर द फॉलोइंग नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो पैटर्नस है, जो पैटर्न में आ रहे हैं आंसर, ओके, वो टोटोलॉजी है जो लास्ट में हमारा आता है, जैसे TTT है तो क्या हो जाएगा, वो टोटोलॉजी हो जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या, अगर FFFF है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, अदरवाइज TFTFT है तो कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसका सब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड करेंगे, और जहाँ पे फर्स्ट सेकंड है इसको देखने के बाद, समझने के बाद आप जो फर्स्ट सेकंड और भी कई क्वेश्चन जो कर पाएंगे। ओके, आप टेंशन मत लीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सिंपली PQ, यहाँ पे निगेशन में दोनों दिए गए, यहाँ पे क्यू, तो हमें यहाँ पे P का निगेशन करना, तो हम पहले P लिख लेते हैं जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे P, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे निगेशन P, यहाँ पे निगेशन क्यू। ओके, तो हम ऐसा नॉर्मली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और इसका ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, हमें बार बार यहाँ पे एक ही काम एक्सरसाइज में हमें ये याद हो जाएगा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, यहाँ पे निगेशन पे, यहाँ पे टी है तो इसका एफ हो जाएगा, यहाँ पे टी है तो एफ, यहाँ पे एफ है तो टी, यहाँ पे एफ है तो टी। ओके, यहाँ पे निगेशन क्यू, यहाँ पे निगेशन क्यू, क्यू का निगेशन करना है तो यहाँ पे टी है, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। ओके, आपको स्केल यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसके साथ जाएंगे। पहले यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ओके, इसका दोनों का निगेशन में इसका हमें एंड करना है, तो पे क्यू पी क्यू का एंड करना है, तो फिर एंड में यहाँ पे दोनों फॉल्स दिए गए तो फॉल्स, और यहाँ पे एफ टी ए भी हो जाए, एक एफ है तो भी फॉल्स, यहाँ पे भी एक एफ है तो फॉल्स, यहाँ दोनों टी है तो ट्रू। ओके, यहाँ पे इसके बाद हमें इसका क्या करना है, निगेशन करना है, मतलब कि जो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे निगेशन लिखते हैं, निगेशन पी एंड निगेशन क्यों, तो हमें यहाँ पे इसका जो एफ है उसका टी, इसका भी टी, एफ का, यहाँ इसका एफ का भी टी, इस एफ का, इस टी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और इसके बाद हम इन सब का, मतलब इसका इसके साथ क्यू के साथ कर देंगे और कर देंगे। यहाँ पे हम जो पूरा क्वेश्चन है उसे लिख लेते हैं यहाँ पे। पी एंड निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज और विथ क्यू। ओके, यहाँ पे हमें इसका और विथ क्यू करना है, यहाँ पे हमें क्यू देखना है, क्यू यहाँ पे। ओके, तो ये इसका और इसका, इसका हम और करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका और इसका, यहाँ पे इसके और, अगर यहाँ पे एक भी टी रहेगा तो टी। ओके, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी है, तो एक भी टी है, हाँ टी है तो टी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है तो टी, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, दोनों में एक भी टी नहीं है, अगर एक भी टी रहता तो टी हो जाता, बट यहाँ पे दोनों एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ, अदरवाइज यहाँ पे टी रहता तो क्या हो जाता, टी, तो हम इसे क्या कहते हैं, टोटोलॉजी। ओके, तो हम इसे कहते हैं टोटोलॉजी, कर दिया गया, यहाँ पे हम टोटोलॉजी कहते हैं, बट यहाँ पे हम देखें तो टी 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 एफ आया है,
तो हम इसे क्या कहेंगे? अगर यहाँ पे सब फॉल्स रहता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। बट यहाँ पे हमें एक एफ है तो यहाँ पे ए अलग हो गया सिक्वेंस से, तो यहाँ पे कॉन्टिनजेंसी। ओके, उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ नीचे लिखना ट्रूथ वैल्यू वैल्यूज इन द लास्ट। ओके, इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम। क्या ये सब सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। क्या लिखना था? आर नॉट सेम। अगर यहाँ पे सब सेम रहते तो सेम लिखना। तो उसके बाद लिखना देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट। क्या लिखना है? गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, पैटर्न जिसका पैटर्न है कैसा है? पैटर्न यहाँ पे यार इस कॉन्टिनजेंसी। ओके, इसका जो पैटर्न कैसा है? कॉन्टिनजेंसी। यहाँ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे सेम रहता तो टोटोलॉजी हो जाता, यहाँ पे सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता तो क्या हो जाता? कॉन्टिनजेंसी। बट यहाँ पे अगर फॉल्स रहता, टी की जगह एफ रहता सब, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता। तो इसको याद रखना है आपको, लास्ट में यही करना है, बाकी सब पूरे एक्सरसाइज में सेम है। तो और मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो थोड़ा यूनिक है यहाँ सॉल्व में करने में। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे पूरा होगा। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट स्टैंड हम करते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी है, बट अगर हम इसे ध्यान से करें तो राइट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम इसका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या गया। यहाँ पे हमें फर्स्ट दो ब्रैकेट दिए गए, यहाँ पे निगेशन का साइन है, ध्यान देना आपको। यहाँ पे पी इफ देन यहाँ ब्रैकेट में, ओके, निगेशन क्यू और का साइन आर। ओके, यहाँ ब्रैकेट क्लोज या निगेशन बाय ब्रैकेट के मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट और निगेशन में। ओके, यहाँ पे पी इफ देन क्यू इफ देन आ यहाँ पे ब्रैकेट में। तो ओके, मैं बता देता हूँ इसे जो सॉल्व करने का स्टेप्स है वो कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे जैसे हम करते हैं, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद हम इसे निगेशन में करेंगे, उसके बाद ये और ये लेके हम यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का जो साइन है उसका सॉल्वेशन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्वेशन। यहाँ पे पहले हम देखते हैं वेरिएबल किस किस टाइप, यहाँ पे पी है, क्यू और आर। आर है तो यहाँ पे हमें फोर फोर करके लेना। ओके, फोर फोर, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ टी। ओके, यहाँ पे फोर टी एंड फोर एफ, यहाँ पे हमने फोर एफ ले लिया। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्यू लेना है, यहाँ पे क्यू टी टी एफ एफ टी एफ एफ लाइक दिस आपको लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे आर ले लेते हैं, आर के लिए टी एफ टी एफ। ओके, यहाँ पे हमने टी एफ आर के लिए ले लिया है। इसके बाद और यहाँ इसके बाद हमें यहाँ पे क्यू जो है वो निगेशन में, तो यहाँ पे हम क्यू का जो निगेशन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे टी एफ एफ टी एफ एफ टी। ओके, यहाँ पे इसके बाद लाइन मान लेते हैं हम। ओके, इसके बाद हमने क्या बोला था, हम ये लेंगे तो हम पहले लेते हैं यहाँ पे निगेशन क्यू और आर। ओके, निगेशन क्यू और आर यहाँ पे हमें लेना है, यहाँ पे हमने। और इसके बाद हम ये लेंगे निगेशन क्यू और आर ब्रैकेट इफ देन पी, यहाँ पे भी पहले आपको ऐसे ब्रैकेट बना लेना है कि बाद में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि एक दो जो छूट जाते हैं कभी जल्दबाजी में। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये लेना है क्यू इफ देन आर
यहाँ पे लाइन उसके बाद हमें ये लेना है पूरा पी इफ देन क्यू इफ देन आर। ओके यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, बट आपको ऐसा लेना है। उसके बाद हमें इसका निगेशन करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा डायरेक्ट करके आपको दिखाने के लिए निगेशन का साइन लगा दिया हूँ, यहाँ पे ये रहेगा। ओके और लास्ट में हमें ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाइन मार देता हूँ, मैं लास्ट में जो है पूरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में फुल क्वेश्चन लिखता हूँ, फुल क्वेश्चन। ओके यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, बट आपको थोड़ा कंजेस्टेड करके सही करना है। यहाँ पे जो इसका जो मेन सॉल्यूशन है हम लिखते हैं यहाँ पे क्यू निगेशन में और आर, यहाँ पे ये दो, यहाँ पे क्यू और आर, अगर यहाँ पे एक भी टी है तो टी रहेगा, यहाँ पे एक भी टी है क्योंकि और जो फॉर्मूला है उसमें अगर एक भी टी रहेगा तो टी, यहाँ पे एक भी एफ नहीं है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ रहेगा, ये दोनों एफ है, यहाँ पे दोनों टी है तो टी, यहाँ पे एक भी टी है तो यहाँ पे एक टी है तो भी टी। ओके उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसका और इसका, तो हमें यहाँ पे पी है और इसका, तो पी इफ देन करना है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स देखेंगे हम, पहले हम ट्रू फॉल्स से जो उसका देखते हैं क्योंकि ट्रू। ओके फॉल्स यहाँ पे ट्रू फॉल्स जब करते तो हमें फॉल्स, यही तो हम पहले ट्रू फॉल्स जो है इसका और इसका जो है देख लेते हैं, ट्रू है ट्रू। ओके ट्रू ट्रू फॉल्स, ओके दिस विल बी फॉल्स, ओके ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, इट विल ऑल्सो ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके क्या नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे क्यू इफ देन आर, क्यू इफ देन आर। ओके हम यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ये भी इसी तरह सेम, यहाँ पे भी इफ देन, यहाँ पे भी इफ देन है। ओके यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे ये पूरा हमने अभी ये किया। ओके तो हम इसे लेंगे और यहाँ पे पी का इफ देन है, यहाँ पे हम पी लेंगे, तो ये यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये और ये। ओके अभी ये और ये फर्स्ट, यहाँ पे पी का इफ देन मतलब पी फर्स्ट रहेगा, पी पी यहाँ पे इसका इफ देन पी, यहाँ पे अगर एक भी ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू ट्रू फर्स्ट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, अब इसके बाद यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे क्या है फॉल्स, यहाँ पे ट्रू तो भी ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू तो ट्रू। ओके तो यहाँ देखेंगे हमें बस एक ही है जो फॉल्स मिला, बाकी सब ट्रू है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था यहाँ पे निगेशन का साइन मैंने दिया है, बाकी सब ये सब एज इट इज़ सेम है, तो इसका हम निगेशन करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये जो टी है एफ है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। ओके तो हम बाकी सब एफ लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैंने फुल क्वेश्चन मतलब यहाँ पे ये पूरा का क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, अब इसका इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट और यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हुआ था। ओके तो यहाँ पे हम इसे मिला देते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें समझने में अंडरस्टैंडिंग इजी होगा,
अभी ट्रू ट्रू है तो अगर इफ एंड ओनली इफ में अगर देखिए यहाँ पे अगर फॉल्स फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू रहेगा तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर ये दोनों भी डिफरेंट रहेंगे तो क्या आएगा, वहाँ पे फॉल्स आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे अगर डिफरेंट रहेंगे दोनों तो फॉल्स आएगा, तो एफ आ जाएगा। टी एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ टी भी है, एफ ए भी एफ टी एफ दिया, यहाँ पे भी 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 टी एफ दिया, और यहाँ पे भी हमें लास्ट में टी एफ दिया। अगर हम देखेंगे लास्ट का जो यहाँ पे सब एफ है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के बाद हम लास्ट में लिखेंगे ऐसा, ऑल द ट्रूथ वैल्यू वैल्यूज आर क्या है एफ। ओके, ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इन द लास्ट कॉलम, कौन से कॉलम में, लास्ट इन द लास्ट कॉलम। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है इन द लास्ट कॉलम, तो हम लिखेंगे इसके बाद देयर फॉर गिवेन, यहाँ पे जी गिवेन स्टेटमेंट इस क्या हो जाएगा, अगर सब फॉल्स रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे टी कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पे जो हमारा जो एक्सरसाइज था वो पूरा ख़त्म हुआ। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा जवाब जो है क्वेश्चन का, आपके सवाल का जवाब दें। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा वीडियो जल्दी आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने वाला है, जिससे आपको सबसे पहले जो है वीडियो मिल जाएगी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।